वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 22x48, जो इसकी फ्रंट है वो हमारी 22 फीट 6 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 48 फीट है, इनकी 48 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है ओनली 1 BHK सेट, इनको एक बेडरूम चाहिए ओनली। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके 24 आवर्स में सेंड कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं जब तक आपको पसंद ना आए। को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन गेट है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पर जो हमारा ओपन फ्रंट है, हमने ये छोड़ा हुआ है 22 फीट 6 इंच x 7.5 फीट का हमने ओपन छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह या फिर आप इसको बरामदा भी बोल सकते हैं। उसके इधर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है पोर्च, जिसका साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट x 19 फीट का हमने पोर्च दिया हुआ है। पोर्च वो होता है जहाँ पर आपकी कार की पार्किंग वगैरह होती है। इसके बराबर में आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जाने के लिए आपको हमने ये डोर दिया गया है, इससे आप ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। इसका साइज़ हमारा 12 फीट 3 इंच x 11 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए विंडो 5 फीट की, जो कि हमने यहाँ पर दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के साथ आपको ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है एक और डोर जो कि आपको लॉबी में अंदर लेकर जाता है। इस डोर से आप अंदर लॉबी में चले जाएंगे, चाहे तो आप इस डोर से जा सकते हैं और चाहे आप ड्राइंग रूम से ही लॉबी में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉबी में आते हैं आपको देखने को मिलता है लॉबी का साइज़ 13 फीट x 11 फीट 3 इंच की हमने लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के राइट तरफ आपको देखने को मिलती है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ हमारा 6 फीट x 4 फीट 11.5 इंच, यानी कि ऑलमोस्ट 5 फीट है ये, 6x5 की हमने टॉयलेट इनको दी हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए, हमने यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। लॉबी के लेफ्ट तरफ यानी कि बाई साइड आपको देखने को मिलती है स्टेयरकेस यानी कि जीना, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाता है। ये हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम बेडरूम की, तो ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम यहाँ से करते हैं इसमें एंट्री। एक ही बेडरूम है, 1 BHK सेट है। इस बेडरूम का साइज़ हमारा 13 फीट x 11 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है अलमीरा, जो कि हमने यहाँ पर साइड में दी हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है एक और डोर जो कि आपको पीछे की तरफ लेकर जाता है, यहाँ से आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 6 फीट की विंडो लगाई हुई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब आप इस डोर से जाते हैं अपने पीछे की तरफ, तो जैसे ही आप पीछे जाते हैं आपको रियर ओपन है। इसका साइज़ हमारा 12.5 फीट x 5.8 फीट की हमने दी हुई है। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आराम से अपना बैठ भी सकते हैं। इसके इधर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है किचन, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 8 फीट 3 इंच x 8 फीट 9 इंच की हमने किचन बनाई हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज़ की स्लेब, जो कि हमने डाली हुई है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगाई हुई है बड़ी, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो मैंने आपको 22x48 के प्लान में सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके विद इन 48 आवर्स मैं आपको दे देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में से पिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।